अच्छा तुझे बात है? हाँ ये बात है, और तू भी खान खोल के सुन ले, आज के बाद अगर इस घर में नाटक या लिखा पढ़ने की बात हुई तो फिर देख लेना। आज के बाद इस घर में कागज कलम नाटक या कविता को लेकर कोई बात नहीं होगी। हाँ हाँ हमेशा की तरह एक या दो दिन के लिए जाओ जाओ अपने यहाँ दोस्तों के साथ, और वापस मत आना। बाबा कहीं जाना है? अरे तू टेंशन मत ले बेटा, मैं जानता हूँ उसे, सुबह जब लगेगी ना तो भक्त आएगा यहीं पर। हेलो, यस सर, आई एम रियली सॉरी सर, मैं ट्रेन का ही वेट कर रहा हूँ, एक घंटे में पहुँच जाऊँगा ऑफिस सर, सॉरी सर। वो ए मेरी परछाई, ए मेरे साकी, क्या बता पाएंगे अगली ट्रेन में कितनी देर है बाकी? क्या बात, सवाल था महोदय, कितनी देर है बाकी? आधा घंटा है ट्रेन आने में। अच्छा, आप चाहें तो बैठ सकते हैं। आजकल तबीयत नासाज रहती है जोड़ों की मेरे, आजकल तबीयत नासाज रहती है जोड़ों की मेरे, घर जो थोड़ा बैठना भी चाहूं तो इनकार कर देती है। वैसे नाम क्या है आपका? प्रशांत। और आप करते क्या हैं? नहीं देता जवाब, नहीं देता जवाब जो तेरा सवाल अच्छा नहीं होता, नहीं होती ये मुलाकात जो तू यार सच्चा नहीं होता। वैसे कुछ समय पहले तक तो शब्दों से खेलता था मैं, यानी कि लेखक? लेखक नहीं, ऑथर, मगर आजकल कुछ और ही करता हूं मैं, सोई आत्मा जगाता हूं, सच का आईना दिखाता हूं मैं अपने, जिस किरदार से खुद तुम ही ना हो वाकिफ, हाँ उसी किरदार से मुलाकात करवाता हूँ मैं। अच्छा समझा, मतलब कि आप कोई जादूगर वादूगर हैं? वो तो आप है अनिकेत। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने तो नहीं बताया आपको। बताता हूँ साकी, बताता हूँ। और हाँ, मैं कोई जादूगर वादूगर नहीं हूँ। झूठ, झूठ कुछ ऐसे कहा उन्होंने, झूठ कुछ ऐसे कहा उन्होंने कि सच से दुश्मनी कर ली मैंने। देखिए, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, लेकिन आपने मुझे जादूगर कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं बचपन से ही जादूगर बनना चाहता था, और आपको पता है सबसे पहला जादू मुझे किसने सिखाया? मेरे दादाजी ने। एक्चुअली हुआ यूं कि उन्होंने एक पत्थर लिया, अपने हाथ में रखा, मुट्ठी बंद की, मुट्ठी खोली, पत्थर गायब। पत्थर गायब, आप हैरान हो गए ना? मैं भी हैरान हो गया था, और उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मुझे यही करना है, जादूगर ही बनना है, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, इंटरनेशनल लेवल का। और मुझे यकीन था कि मैं बन सकता हूँ। अरे बाकायदा ट्रेनिंग ली थी मैंने उसकी। तब तू ये जादू भी तभी बनवाया होगा तुमने। फिर क्यों इतना रहम किया खुद पर साकी? तो और क्या करना चाहिए था मुझे?
देखिए, मैं एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसकी अपनी कुछ मजबूरियाँ और ढेर सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। ऐसे में मैं इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता था? क्या होता अगर मैं फेल हो जाता? क्या जवाब देता मैं मेरे माँ बाप को? और उनसे भी ज्यादा उन रिश्तेदारों को जिन्हें खुद से ज्यादा हमारी फिक्र रहती है। कभी कभी तो मन करता है कि एक बात कहूं साकी, जो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है ना, वही असली जादूगर होता है। इसलिए मत करो ऐसा, मत काटो अपने सपनों के पर। उड़ने दो उन्हें, छूने दो उन्हें ऊंचाइयों को। क्योंकि जो तुमने ऐसा नहीं किया तो देखना अंत में कुछ ना बचेगा, कुछ ना रह जाएगा, रह जाओगे सिर्फ तुम अकेले, एकदम अकेले। दुख होता है मुझे तुम्हारे लिए, अपने लिए दुख होता है। अच्छा छोड़ो ये सब, कुछ अपने बारे में बताओ। तुम रहते कहाँ हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? घर अरे गुड़िया, क्या हुआ चाय का? बाबा एक मिनट में नहीं। बाबा चाय। गुड़िया जी बाबा, कैसी चल रही पढ़ाई? बाबा पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। पता है आपको, आज ना बायोलॉजी का लेक्चर था, मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। अच्छा वेरी गुड। और क्या आपने नाम जाने? बाबा भाई तो अपनी नॉवल लेकर किसी पब्लिशर के पास गए। एक वो है जिसको कोई काम धंधा है नहीं, उस पर तू उसे क्यों सपोर्ट करके बिगाड़ रही बेटा? पर बाबा एक बार बार कुछ नहीं, आनंद उसे आज उसके खैर नहीं। अब मेहरबानी करके तुम आज बीच में मत बोलना, समझे? जी बाबा। एक बात तो माननी पड़ेगी, बाहर मौसम और तुम्हारी चाय दोनों का जवाब नहीं। थैंक यू भाई। प्रशांत चाय नीचे रख। मैं 3 दिन पहले बनाया। प्रशांत नहीं नहीं कुछ नया बोले। हाँ ना, चाय नीचे रख। अरे बताएंगे जनाब, पूरा दिन कहाँ थे? कहाँ थे तो सुनिए वकील साहब, इरशाद गया था अपने मंदिर ढूंढने, आज फिर वही मिली नहीं तो सोचा। बंद करे अपनी शेरो शायरी, नहीं सुनू मुझे तुम्हारी ये शेरो शायरी। कभी ना मेरे समझ में आई थी ना आएगी। निकल निकल जा मेरे घर से भी कभी। जो मेरा कहानी मानना चाहता इसके लिए कोई जगह नहीं मेरे घर में। बाबा मुझे कहते चुप हो जा, एकदम चुप, वरना जुबान खिलूंगा मैं तेरी। नालायक लेखक बनेगा तो लेखक नहीं, ऑथर कहिए बाबा, ऑथर। और जानते हैं मेरी पहली किताब जो छपेगी वो किस पर होगी? किस पर होगी? आप पर बाबा, आप पर। सोचिए, लोगों की लंबी लाइन लगी है आप पर लिखी किताब खरीदने के लिए। एडवोकेट कंचन सिंह, अ लिविंग लेजेंड। भाई बाबा कितने हैंडसम लग रहे हैं ना। हाँ यार। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, समझा दो मुझे। हरगिज बर्दाश्त नहीं सीनियर एडवोकेट कंचन सिंह का बेटा कागज कलम लेके बाजार से गुजरे। तो एक काम क्यों नहीं करता, मुझे और तेरी बहन को जान से मार दे, फिर तुझे जो शौक पूरे करो कर लेना। बाबा साहब। अरे कहाँ साहब, कहाँ साहब, वो देखिए। अरे बेटा कहाँ साहब, अरे कहाँ साहब। अरे बाबा एक सांप के नाम से तो हवा टाइप हो गई। बाबा भाई मजाक कर रहे हैं। तुझे ये सब मजाक लगता है? 4 पैसे खुद से कमा कर देख, सारे लिखा भूल जाएगा। तो बाबा मैं लिखना चाहता हूँ, मुझे लिखना अच्छा लगता है।
और मुझे यकीन है कि एक बार आप मेरा काम देख लेंगे तो वो आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। रुकिए, अभी दिखाता हूँ। बुढ़िया, मेरी आरा की फाइल्स और फोल्डर्स देखी तुमने? नहीं भाई, मैंने तो दो दिन से कमरे साफ नहीं किया है। कैसे हो सकता है, यही तो रखी थी। समझा। गुड़िया, मैंने 9 साल की मेहनत आपने रद्दी में दे दी बाबा, मैं क्या करूंगा, क्या दिखाऊंगा मैं? मेरा बस चलता है तो तुझे भी रद्दी दे देता। कहा दाना बीच में मत बोलना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज मुझे तुम्हारी माँ की कमी सबसे ज्यादा महसूस हो रही है, उसके जान के बाद ना तो टिक सकते ना भाई, ना अपने भाई को। अच्छा, ये बात। हाँ, आज के बाद अगर इस घर में नाटक या लिखा पट्टे की बात हुई तो फिर देख लेना। जाओ जाओ अपने यहाँ दोस्तों का, और वापस मत आना। ये तो बहुत बुरा हुआ भाई, लेकिन फिर क्या किया? चाचा, वो आदमी मेरे पास बैठा था, वो कहाँ गया? कौन? अरे वही जो सोई हुई आत्माओं को जगाता है। वो नीली बुशर्ट और काली पैंट वाला? हाँ, वही, कहाँ गए? अच्छा, तो आज वो तुम्हें भी दिख गया। मैं यहाँ रोज प्लेटफॉर्म की सफाई करता हूँ और वो इंसानों के दिलो दिमाग। चलो अच्छा है। एक बात कहूँ साकी, जो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है ना, वही असली जादूगर होता है। शायद आपकी ट्रेन आ गई। अब इसकी जरूरत नहीं है चाचा। फितूर होता है जवानी में जुदा जुदा, इश्क, पैसा और फिर खुदा खुदा।